नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। कहते हैं बच्चों में भगवान का वास होता है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ना कोई छल ना कपट, वो बस प्यार की भाषा ही समझते हैं। ऐसी ही प्यार भरी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अस्पताल के बेड में छोटी सी बच्ची बोतल में दूध पी रही है और उसके दोनों पैर ऊपर की ओर बंधे हैं, बगल में उसकी प्यारी गुड़िया भी ऊपर पैर करके लेटी हुई है। इस तस्वीर पर जिसकी भी नजर पड़ी वो देखता रह गया। ये फोटो कई लोगों को भावुक भी कर रही है। जहन में एक ही सवाल उठता है कि कौन है ये बच्ची और क्यों इस तरह से बिस्तर पर लेटी हुई है। इसकी दिलचस्प कहानी शुरू होती है दिल्ली के लोकनायक अस्पताल से। 17 अगस्त को 11 महीने की जिक्रा को इस अस्पताल में लाया जाता है। बच्ची सोते समय बेड से गिर गई थी, जिसकी वजह से वो लगातार रो रही थी। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि जिक्रा के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टरों ने कहा कि पैर पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। बच्ची लगातार दर्द से कराह रही थी और अपने पैर पटक रही थी। ऐसे में डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इलाज को आगे बढ़ाए। तभी बच्ची की माँ ने बताया कि जिक्रा अपनी गुड़िया को बहुत प्यार करती है। जब वो डॉल को दूध पिलाने का नाटक करती है तो बच्ची भी चुपचाप दूध पी लेती है। माँ की इस बात पर डॉक्टरों को एक तरकीब सूझी और उन्होंने उस गुड़िया को घर से मंगवा लिया। डॉक्टरों ने जिक्रा के साथ गुड़िया को भी लिटा दिया और डॉल के पैरों पर पट्टी बांध दी। बच्ची थोड़ी देर ये सब देखती रही और फिर खुद भी खुशी खुशी प्लास्टर चढ़वाने को तैयार हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि अब वो पहले गुड़िया को दवाई देते हैं और फिर बच्ची को, और बच्ची चुपचाप दवाई पी लेती है। जिक्रा पूरे अस्पताल में गुड़िया वाली बच्ची के नाम से मशहूर हो गई है। ये तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और डॉक्टरों की तारीफ करते हुए बच्ची के इलाज के लिए बधाई दी। डॉक्टर हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है। केजरीवाल के ट्वीट के बाद इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। लोग डॉक्टरों के इलाज के इस तरीके को सल्यूट कर रहे हैं।